अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने तीन क्वेश्चंस आपको दिए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे उसके करेक्ट आंसर्स दिए हैं। अगर आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं तो उनको इसके साथ मैच कर लीजिए। ये रावलपिंडी से हमारे एक स्टूडेंट है रिमशा, उसने ये सेंड किया है, और इसी तरह फरवा बतूल फ्रॉम अलीपुर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स मेथड है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट के बाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। एंगुलर यानी रोटेशनल भी कह सकते हैं, रोटेशनल क्वांटिटीज। तो लीनियर और रोटेशनल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं एस एंड आर थीटा, ये था लीनियर और ये था एंगुलर। ये तो हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है इफ एंगल इज टेकन इन रेडियन। अब हम फर्दर रिलेशन पढ़ेंगे लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इनको हमने, ये छोटा सा इसका प्रूफ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वी नो एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर हम स्मॉल वैल्यू के लिए शो करें तो डेल्टा अप्लाई कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब भी फाइंड करनी हो तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एस, और इस तरफ भी टी से डिवाइड कर दें, आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। So V is equal to R omega। अगर हम एक क्वांटिटी के बारे में जानते हैं तो दूसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, omega is equal to 2π/T, ये भी याद रखिएगा। omega एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी एंड आल्सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसका फार्मूला ये भी होता है 2π f। ये थी मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। किसी भी सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहता है। अगर हम एक सर्कल की बात करें तो उसका रेडियस कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम सर्कल चेंज करेंगे तो रेडियस चेंज हो सकता है। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, या v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा और माइनस साइन लगेगा साथ। यू नो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। हम r ओमेगा नहीं लिख सकते। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक डायरेक्शन है। जब हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये एक सर्कल है और इस सर्कुलर मोशन में बॉडी की डायरेक्शन है ये, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो दैट इज अलोंग टेंजेंट। ये तो अलोंग टेंजेंट होगी, और एंगुलर क्वांटिटी बाय राइट हैंड रूल ये होगी इफ रोटेशन इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज रेडियस। ये मैंने जो लिमिट अप्लाई की है, याद रखिए इसका एक मकसद है, ये जो रिलेशन है ना v इज इक्वल टू आर ओमेगा और ये वाला, दिस इज ओनली फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी वेलोसिटी की इंस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इन दो का रिलेशन ये होता है। ठीक है,
अच्छा, वी अलोंग टेंजेंट, ओमेगा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, और एक्सिस बी परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, और रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी इज परपेंडिकुलर ऑलवेज टू ओमेगा। ये सिंबल पता है ना किस चीज का है? दिस सिंबल शोज परपेंडिकुलर, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये टर्म्स का नहीं पता होता, इसलिए मैंने कहा बता दूं। शायद आप यही सोच में पड़े हों या मेरे से पूछो कि सर ये उल्टा टी क्या शो कर रहा है। तो दिस इज परपेंडिकुलर सिंबल, तो वी और ओमेगा के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। अब वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर हम लिखेंगे, उसकी वजह ये है कि ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रोटेट पहला वेक्टर टूवर्ड दूसरा वेक्टर। तो जब हम ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाएंगे, तो हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन मिलेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी डिटेल समझने के लिए वेक्टर का आर्टिकल समझना पड़ेगा, लेकिन वेक्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें ऐसे ही सरखपाई करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस की चीजें जो हैं वही हम प्रॉपर वे से कर लें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम सिलेबस से बाहर जाएंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। ये मुझे आता है, मैं करवा सकता हूँ आपको, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन ए। सपोज बॉडी इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये सर्कल थोड़ी होता, सर्कल तो नहीं नजर आ रहा। एक्चुअली थ्री डायमेंशनली आपको कुछ शो करवाने की कोशिश की जा रही है। ये सर्कल ऐसे है, ठीक है, ये सर्कल ऐसे है, और इस तरह का सर्कल हम पेज पे ड्रॉ इसी तरह से करते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात में बात करते हैं, और ये किस चीज की डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी की बाय राइट हैंड रूल, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज रेडियस आर। अब फॉर्मूला लिखते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम लिमिट अप्लाई करें और वही काम करें, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी डेल्टा टाइम से भी डिवाइड कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी, आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। सो नाउ व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और ये क्या है, आर, और ये है अल्फा। इंस्टेंटेनियस दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एक और चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा, ये तीन अलग अलग एक्सेलरेशन है, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी पे,
ये हम बात पहले भी शेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो अल्फा और ये पैरेलल होंगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो अल्फा और ओमेगा एंटी पैरेलल होंगे। ठीक हो गया, ये पैरेलल होंगे और अगर ये, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या हुआ, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर हम इसकी भी वेक्टर फॉर्म बनाएं तो वेक्टर फॉर्म होगी ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस अल्फा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जा सकता है आर क्रॉस अल्फा, लेकिन वेक्टोरियल फॉर्म में हम ऐसे ही लिखेंगे ए इज इक्वल टू। अगर आपकी ख्वाहिश है, कभी कभी दिल करता है ना कि मैंने पहले आर ही लिखना, तो आर लिख लो, नेगेटिव साइन लगा लो, ठीक हो गया। लेकिन ये बात याद रखना, आर क्रॉस अल्फा और अल्फा क्रॉस आर, इन दो में बड़ा फर्क है। इन दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री का, क्योंकि आर क्रॉस अल्फा को जब अल्फा क्रॉस आर लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये था लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन। अब लीनियर एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में एक ओवरव्यू, एस एंड थीटा। एक अगर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ये फार्मूले ऐसे हैं, लेकिन अगर आप वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो थीटा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। ये इसी तरह एल बी है, ये है एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, और टॉर्क है आर क्रॉस एफ। यहां पर ये क्या है, लीनियर, लीनियर जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ये लीनियर क्वांटिटीज हैं। और इसी तरह ये है लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है, लीनियर डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। जब फोर्स लीनियर डायरेक्शन में लगती है तो रोटेशन करे, फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करे, तो उसके इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क। यहां से एक इंटरेस्टिंग नाम आपको समझा दूं, आर क्रॉस एफ तो टॉर्क का नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम का नाम कैसे रखोगे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब भी पी लिखा होगा ना, इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि ये लीनियर मोमेंटम है, या लीनियर जब लिखा जाए तो उसका मतलब है पी, ठीक है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आपको ये इक्वेशंस जहन में रखनी है, ये जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू जीरो एंड हैज एन एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड, यानी अल्फा इज 4। व्हेन इट हैज मेड 10 रेवोल्यूशन, दिस इज थीटा, 10 इंटू 2 पाई, यू नो रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है हमारे पास डेटा, सवाल क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करें। अब वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर विद इन 45 सेकेंड आना चाहिए। मैंने डेटा आपके साथ शेयर कर लिया।